आज भारत अगर समृद्ध होगा, भारत संपन्न होगा, उसकी एक शर्त है, आपको आगे दायित्व लेना पड़ेगा। भारत संपूर्ण समृद्ध आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा अगर आप जिम्मेवारी नहीं लोगे, अगर आपकी आंखों में सपना नहीं होगा और आपकी मेहनत नहीं होगी। और आपने कभी अपने बारे में मेहनत सिर्फ नहीं किया, अब खाना भी नहीं खाते हो बिना दोस्त के, यह कोई फन की बात नहीं है, यह प्रैक्टिस की बात है, यह संस्कार की बात है। हमें एक सामूहिक जीवन का संस्कार है, हमें जिम्मेवारी का संस्कार है। ये इंस्टीट्यूट आपको पिछले 3-4-5 साल में सेल्फलेस फ्रेंडशिप का आपको संस्कार दिया है। मित्रों, इस संस्कार को आगे नहीं भूलना है, इस संस्कार को आगे ले जाना है। 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान दिया है, भारत को विकसित करके ही रहना पड़ेगा। भारत की भाग्य में, भारत की नियति में, भारत की नई पीढ़ी की मन देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि आने वाले 25 साल में, अमृत काल में, हमें और आगे बढ़नी है। हमें आगे अपने लिए नहीं बढ़नी है, हमारे देश की संस्कार को आगे बढ़ाते हुए। हम वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले लोग हैं। दुनिया आज आपस में लड़ने में व्यस्त है, कहीं रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, विश्व के अन्य कोई देश दूसरे पड़ोसी से उलझ रहा है। हम ऐसे लोग नहीं है, हम तो दुनिया के कल्याण सोचने वाले लोग हैं, और विशेष करके दुनिया के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं। इस बार G20 को मेजबानी करने का भारत को अवसर मिला। मैं 2-3 फीचर उसके बारे में आपके सामने रखना चाहूंगा। उसकी थीम ने भारत में रखा है वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया के सारे लोग एक परिवार है, हम अपने बारे में नहीं सोचे। हमने ग्लोबल साउथ को रिकॉग्नाइज किया। कौन है ये ग्लोबल साउथ? ग्लोबल साउथ दुनिया के गरीब देशों की समूह की नाम है ग्लोबल साउथ। भारत ने ऐसे लोगों को बुला के कहा, G20 में बड़े लोग बैठेंगे, हम आपकी प्रतिनिधित्व करेंगे बड़े देशों के सामने। सिर्फ बड़े बड़ों बढ़ने से नहीं होगा, सभी को बढ़ने से होगा। इसलिए आपकी अपेक्षा भी बताओ, भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 की परमानेंट मेंबरशिप दिलाई। ये भारत है मित्रों, उस कुल के, उस परंपरा के हम सब अनुजाई है। विवेकानंद जी ने अमेरिका में शिकागो में जाके इसीलिए नाम कमाया, उन्होंने एक ही शब्द कहा, दुनिया की बाकी उपासना पद्धति, विचार पद्धति के लोग जब कहते थे, माई थॉट प्रोसेस इज द सुप्रीम इन द ह्यूमैनिटी, विवेकानंद जी ने कहा, मेरे विचार कहता है सभी के विचार श्रेष्ठ है, ऑल थॉट प्रोसेस आर अबव एवरीथिंग, ऑल आर ग्रेट। ये विवेकानंद जी की संस्कार है, और आप तो विवेकानंद जी के नाम से चलने वाले संस्था हो। मेरे आपको शुभेच्छा है, आने वाले दिनों में आपकी आंखों में और सपना बढ़े और ऊंचाई तक आप जाएं। आप सिर्फ अपने बारे में नहीं, देश के बारे में, दुनिया के बारे में, विकसित देश के बारे में जिम्मेवारी आप लोगे। आप अगर जिम्मेवारी लोगे, मित्रों, इस समाज में अधिकार मांगने वाले लोग बहुत हैं, एंटाइटलमेंट के पीछे बहुत लोग हैं, हमें मिलनी चाहिए, वो सही भी है, लेकिन मित्रों अधिकार तब तक किसी की सुरक्षित नहीं होगी उसके लिए अगर कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। एक व्यक्ति जिम्मेवारी लेगा, कर्तव्य करेगा, दायित्व लेगा, तो 10 लोगों की अधिकार पूर्ति होगी। मैं भीप्स की आज की इस कन्वोकेशन में उपस्थित विद्यार्थियों को शुभेच्छा देते हुए देश के एक नागरिक के नाते मेरी अपेक्षा आपके सामने रख रहा हूं, दायित्व लेना पड़ेगा। देश को 2047 तक डेवलप्ड बनानी पड़ेगी। डेवलप भारत को इसीलिए बनानी पड़ेगी, विश्व में न्यू ऑर्डर बरकरार हो। 21st सेंचुरी में
ये लिखा हुआ है कि देयर विल बी न्यू ऑर्डर। हरेक संधिक्षण के बाद, हरेक कालखंड के बाद एक न्यू ऑर्डर आता है। भारत की नेतृत्व में इस बार नया ऑर्डर आना तय है और आप उसकी कैप्टनशिप करोगे। और मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, मैं आज बाहर राज्य में जाने का पूर्व निर्धारित योजना के कारण मेरे सौभाग्य नहीं होगा मैं आपके साथ पूरा समय बिताऊं। फिर मैं आपको एक बार आज की इस विशेष मुहूर्त में आपकी जिंदगी की, आपकी पेरेंट्स की जिंदगी की और इस इंस्टीट्यूट की जिंदगी की शुभेच्छा देते हुए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।